थैंक यू रोहित, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल के हमने देखे थे, ट्रेंड्स में एटॉमिक साइज, रेडियस और वॉल्यूम जिसको कहते हैं, इसमें और ये तीन चीजें आती है, ये आप उसमें देख के मुझे बोलेंगे। हाँ, वो उसका अपलोडिंग में इसमें ऐप में करने वाला हूँ, जो जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है उनके लिए मैं वो शेयर करने वाला हूँ, बाकी लोगों के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, यहीं पर आप बताएंगे, ठीक है। तो बेटा ग्रुप में ये ट्रेंड कैसे वैरी करता है एटॉमिक साइज का, ग्रुप में, ग्रुप यानी क्या होता है वर्टिकल कॉलम, और पीरियड यानी हॉरिजॉन्टल रोज। पीरियड ऐसे चेंज होते हैं या ऐसे प्रॉपर्टी पीरियड में देखते हैं, और ग्रुप को आप टॉप टू बॉटम देखते हैं। तो बेटा बोलिए, ग्रुप में अगर आपने देखा ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे तक जब हम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। हाँ, बिकॉज एवरी टाइम अ न्यू शेल इज एडेड इन द न्यू पीरियड, हर नए पीरियड के स्टार्टिंग में एक नया शेल एड हो जाता है। और आपको पता है कि फर्स्ट पीरियड है उसमें एक शेल है, सेकेंड पीरियड है उसमें दो शेल्स होते हैं, थर्ड पीरियड है उसमें तीन शेल्स होते हैं, फोर्थ पीरियड है 1, 2, 3 और 4, इसमें चार शेल्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, यानी टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ, एटॉमिक साइज का, हाँ, तो ये इंक्रीज हो रहा है। अगर मैंने इसके आगे लिखा कि एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वॉल्यूम भी लिखेंगे यहां पर, है ना, एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। और पीरियड में अगर इसका ट्रेंड देखा आपने, पीरियड में यानी लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं पीरियडिक टेबल में आप, है ना, पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो पीरियडिक टेबल में जो पीरियड है उसमें, हाँ पीरियड है उसमें लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये देखो, ये डाउनवर्ड वाला एरो में यहां पर यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं बेटा, डाउनवर्ड वाला एरो में यहां पर यूज कर रहा हूं। इसका मतलब होता है, देखो ये डाउनवर्ड वाला एरो कहां पर जा रहा है बेटा, हमेशा एरो जब मैं दिखाता हूं ना, मेरी टेक्निक समझ लो, एरो जब मैं दिखाता हूं, अगर ऐसा एरो लिखा तो एरो हेड जिधर है उधर इंक्रीज, क्या याद रखना है, एरो हेड जिधर है उधर इंक्रीज, और एरो टेल जिधर है उधर डिक्रीज होता है। तो इसका हेड कहां जा रहा है, नीचे, यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब इधर टेल आना चाहिए और इधर हेड आना चाहिए। जब जब मैं एरो लिखता हूं, एरो के नोटेशंस में दिखाता हूं, तब एरो को कैसे पढ़ना है, हेड की तरफ इंक्रीज और टेल की तरफ डिक्रीज होता है, याद रहेगा आपको सभी को, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। ये शॉर्ट एब्रीविएशंस या जिसको नोटेशंस कहते हैं उसके हिसाब से मैं इनको हमेशा नोट करता हूं, तो मुझे है ना इसको लिखने के लिए भी आसान लगता है और इसको समझने के लिए भी आसान लगता है, जगह भी कम लगती है, कम स्पेस में ज्यादा मटेरियल मेरा बैठ जाता है। सिनॉप्सिस का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आज मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सिनॉप्सिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आप टॉपिक को कैसे लिखते हैं बेटा, सिनॉप्सिस एक बार परफेक्ट नहीं बनने वाला है, आज सिनॉप्सिस बना दिया आपने, अगर अभी तक जितना पार्ट हुआ उसका सिनॉप्सिस फॉर एग्जाम्पल आपने आज बना दिया, आप जब एमसीक्यू सॉल्व करने लगेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें नई कुछ चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, वो भी आपको आपके सिनॉप्सिस में इंक्लूड कर देनी, जितनी भी चीजें जो सॉरी जो आपको पता नहीं है या नई नई एक्सेप्शंस आपको मिल रही है, एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री इज द नेम ऑफ एक्सेप्शंस, स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस का नाम होता है केमिस्ट्री, बिकॉज पीरियोडिक टेबल ऐसी चीजें, काफी सारे एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि
सपोज टॉप टू बॉटम बाकी एलिमेंट्स एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, बीच में कोई ऐसा एलिमेंट है कि वो वाला ट्रेंड फॉलो नहीं करता, वो दूसरा ही कुछ बिहेवियर दिखाता है, उसे कहते हैं एक्सेप्शन। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन केमिस्ट्री में आते हैं, आपने भी पहले देखे होंगे, हम और डिटेल में आगे स्टडी करने वाले, ठीक है। देखिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, एटॉमिक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, फटाफट कमेंट में टाइप करो रीजन क्या है, व्हाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वी मूव इन द पीरियोडिक टेबल, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है इन पीरियड, अलोंग द पीरियड जिसको कहते हैं ना, अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ऐसे क्यों होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। तो इसका रीजन हम लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज सेंटर में किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब सेंटर का जो पार्ट है किसी भी एटम का वो होता है न्यूक्लियस और उसपे होता है पॉजिटिव चार्ज। बेटा जैसे जैसे एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इधर भी एक प्रोटॉन बढ़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा प्रोटॉन बढ़ेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वापस एक बार बोलना है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। तो हम आगे लिख लेंगे यहां पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर लिख लो इसको फटाफट। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा प्रोटॉन भी इंक्रीज होने वाले, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होने वाले हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज हो रहा है यानी सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में इंक्रीज हो रहा है ना, सेम शेल में इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा सेम शेल में इंक्रीज होंगे और सेंटर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इन सभी सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अंदर खींचने की कोशिश करेगा, जैसे ही अंदर खींचेगा इसका साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता है, एटॉमिक नंबर जितना बढ़ता है उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उतनी एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे अगर कुछ एलिमेंट्स दिए और इन एलिमेंट्स में मैंने आपसे पूछा कि बेटा बोलो इन एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए, राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सर विल यू प्लीज एड द सॉल्विंग फिजिक्स टेस्ट, क्या है ये प्रथमेश क्या बोल रहा है, सर विल यू प्लीज एड दिस लेक्चर बिकॉज आई वॉज सॉल्विंग फिजिक्स टेस्ट, नहीं बेटा केमिस्ट्री का लेक्चर है तो केमिस्ट्री का ही लेक्चर करना पड़ेगा, हाँ केमिस्ट्री के लेक्चर में फिजिक्स का कैसे करेंगे, ठीक है ध्यान दो, ध्यान दो, अभी देखो एटॉमिक साइज क्या बता रहा था मैं, राइट राइट द फॉलोइंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग साइज, अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग साइज। नंबर वन, मैं तीन एलिमेंट्स पहले लिखता हूं फिर चार करूंगा फिर पांच करूंगा, ऐसे बढ़ाने वाला हूं, सोडियम रुबिडियम पोटेशियम, तीन का ग्रुप मैंने दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद सोडियम और सीजियम, तीसरा मैंने दे दिया लिथियम बोरॉन कार्बन,
दे दिया। नंबर फोर नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम ये दे दिया। नंबर फाइव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चार दे दिए। फटाफट सॉल्व करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। हाँ फिजिक्स फोरम की टेस्ट कितने बजे है? कितने बजे टेस्ट है फिजिक्स फोरम की बताओ? सुयश, प्रथमेश कितने बजे टेस्ट है फिजिक्स फोरम की? एक से दो है ना, तो खत्म हो गई ना, दो बजे तो मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ है तो हो गई ना। हाँ ओके ओके चलो, ये इसके ट्रेंड्स लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। साइन सिंबल देने की जरूरत नहीं, बस कॉमा से रिप्रेजेंट करो। डिक्रीजिंग यानी सबसे बड़ा एलिमेंट पहले आएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसे तीन का ही पेयर दिया है, यानी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बाल वैसे के वैसे रहेंगे, ज्यादा झड़ेंगे नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं देता मैं, ठीक है? इनिशियली नहीं देता, बाद में बहुत ज्यादा चूस लेने वाला हूं। हाँ गन्ने के माफिक बहुत बड़े बड़े लेवल के प्रॉब्लम्स में सॉल्व कराने वाला हूँ आपसे, लेकिन आपको एक बार भी लगने नहीं दूंगा कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे बोल के। ऐसे झटके में, एक झटके में सॉल्व करेंगे आप लोग, वेरी गुड। हाँ इसका एग्जांपल का क्वेश्चन का नंबर भी डालो, और नंबर डाल के उसका ट्रेंड लिखो, नंबर डाल के उसका ट्रेंड लिखो। नंबर सिक्स हाइड्रोजन, लिथियम, हेलियम। सेवन लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, देन सिलिकॉन, क्लोरीन, सल्फर, एल्यूमिनियम। नाइन सोडियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सीजियम, देन एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम। हाँ ऐसे ट्रेंड आते हैं एग्जाम में, ऐसे तो सॉल्व करना है आपको। ओके टेन के बाद इलेवन, इलेवन के बाद नाइट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 13 सेलेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन, गैलियम। फोर्टीन नाइट्रोजन, फॉस्फरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर इसको स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये 15 ट्रेंड्स मैंने आपसे शेयर किए हैं यहां पर, इन दोनों को स्टार कर रहा हूं। जो स्टार बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए है ये दो क्वेश्चन, स्टार बच्चों के लिए स्टार क्वेश्चन। चलो देखते हैं आज कौन कौन स्टार सॉल्व कर रहे हैं, कौन कौन स्टार सॉल्व कर रहे हैं। सुयश, अनिकेत, मृणमयी, यशपाल, सानिका, यशस्वी, नंदिनी, स्वराज, ओके, प्रथमेश, वैदेही, नहीं वैदेही नहीं सॉल्व किया। चलो करो बेटा फटाफट,
मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, फटाफट करो। आप क्या करो, एक एक ट्रेंड मत डालो, एक एक ट्रेंड देखना मुश्किल हो जाएगा। आप सभी ट्रेंड सॉल्व करो, एक से लेकर तो पांच तक सॉल्व करो, चलो फटाफट एक से पांच के आंसर एक साथ डालो। अरे बाप रे, सानिया का तो 14 चल रहा है। वेरी गुड यज्ञेश, यशस्वी, वेरी गुड बेटा। देखो सबसे पहला ट्रेंड पीरियडिक टेबल, याद है सभी को? पीरियडिक टेबल का स्क्रीन शेयर करूं क्या आपके साथ? हाँ, पीरियडिक टेबल का स्क्रीन भी शेयर करता हूं, दोनों भी चीजें दिखाता हूं मैं आपको। ओके, देखो सोडियम रुबिडियम रुबिडियम और पोटेशियम ये आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, ह ली ना की रब से फरियाद, इसके रिलेटेड जितने भी है सब सॉल्व करने वाला हूं मैं। देखो बेटा सोडियम यहां पर आ रहा है, रुबिडियम नीचे आ रहा है, पोटेशियम बीच में आ रहा है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। यानी इसमें पहले कौन आएगा? 1 2 3 में ऑर्डर कैसा रहेगा? 1 2 3 में ऑर्डर कैसा रहेगा? 2 greater than 2 greater than 3 greater than 1, है कि नहीं? हाँ, जितने लोगों का करेक्ट आ गया एक मार्क दो। 15 में से कितने मार्क्स आते हैं देखेंगे हम। हाँ, एक करेक्ट आया तो एक मार्क देना है, ठीक है? हाइड्रोजन सोडियम सीजियम, हाइड्रोजन सोडियम और सीजियम, सीजियम सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद हाइड्रोजन, यानी 3 greater than 2 greater than 1 होगा यहाँ पे। ओके ओके, आ रहा है क्या सभी को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह 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 वाह। अरे ये दो कहां से दे रहे? अच्छा, पहला दूसरा दोनों करेक्ट आ गए, वेरी गुड। लिथियम बेरिलियम बोरॉन ये है ना सेकंड पीरियड, ह ली बे ब क न ओ फ नी, ये नियॉन छोड़ दो, लिथियम से फ्लोरीन तक जब जाएंगे ये सेकेंड पीरियड में आते हैं, और सेकेंड पीरियड में अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज होता है। उसमें से लिथियम बोरॉन कार्बन निकाल लिया, लिथियम बोरॉन कार्बन, तो बेटा लिथियम सबसे बड़ा रहेगा, बोरॉन उसके बाद रहेगा, कार्बन उसके बाद रहेगा। सो दिस इज 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। वाह 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 वाह, बढ़िया। नाइट्रोजन कार्बन बेरिलियम, नाइट्रोजन है इधर, नाइट्रोजन कार्बन बेरिलियम, बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन इज द डिक्रीजिंग ट्रेंड, बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन इज द डिक्रीजिंग ट्रेंड। 3 greater than 2 greater than 1 होगा, 1 होगा, वेरी गुड। फोर्थ भी करेक्ट आ गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखो बेटा आयोडीन सबसे बड़ा होता है, सबसे नीचे है, फेक सीबीआई एजेंट है कि नहीं? फेक सीबीआई एजेंट, आयोडीन सबसे बड़ा है, तो ये इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा हुआ है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होगा? 4 3 2 1, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेरी नाइस। 5 out of 5 मिले हैं, वेरी गुड। हाइड्रोजन लिथियम हीलियम, वाह 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 वाह। हाइड्रोजन इधर हीलियम आता है और इधर लिथियम आता है, तो वेरी सिंपल थिंग, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 proton 2 electrons होते हैं, तो जैसे ही प्रोटॉन बढ़ेंगे और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन बड़ा है हीलियम से, और लिथियम में 2 shells आ गए, 2 shells, एक शेल है, 2 shell है, तो 2 shell वाला बड़ा होना चाहिए कि नहीं? यानी सेकेंड पीरियड में आता है लिथियम, तो सबसे बड़ा रहेगा लिथियम, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम आएगा, हाइड्रोजन। सो दिस इज लिथियम सबसे बड़ा, 2 greater than hydrogen 1 greater than 3, Is it sopa? आ रहा है क्या सभी को? सोपा है तो सोपा बोलो, यस ओ, यस ओ डबल पी ए, सोपा, इज इट सोपा। वाह क्या बात है,
लिथियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन, लिथियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन, वाह वाह ये तो ट्रेंड ही दिया है डायरेक्ट, क्या बात है। हाँ इसमें तो कुछ टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रेंड दे दिया है। बिकॉज लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। सिलिकॉन क्लोरीन सल्फर एल्यूमिनियम, हाँ ये आ गए थर्ड पीरियड के एलिमेंट, ये होता है एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस ऑक्सीजन के बाद सल्फर और इधर क्लोरीन। हाँ सिलिकॉन क्लोरीन सल्फर और एल्यूमिनियम, बेटा एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है, 4 ग्रेटर देन सिलिकॉन 1 ग्रेटर देन सल्फर 3 ग्रेटर देन 2, ये 8th नंबर का कितने लोगों का करेक्ट आया, 8, वाह वाह 8th नंबर का कितने लोगों का करेक्ट आया, क्या बात है, वाह 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 बहुत बढ़िया। सोडियम रुबिडियम पोटेशियम सीजियम, सोडियम कहाँ गया, सोडियम रुबिडियम पोटेशियम सीजियम क्या है, थोड़ा सा आगे पीछे करके दे दिया है, ये तो बहुत ही सिंपल है। सीजियम आएगा 4 ग्रेटर देन रुबिडियम 3 ग्रेटर देन पोटेशियम, सॉरी रुबिडियम 2 पे लिखा है, पोटेशियम 3 ग्रेटर देन 1, 9, वाह बहुत ही बढ़िया। एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम गैलियम, एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम गैलियम, बाल बैंगन आलू गाजर, इन थैला बैंगन, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो इसी में से दिए हैं 4, एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम गैलियम, थैलियम सबसे नीचे है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो सबसे बॉटम वाला सबसे बड़ा रहेगा, थैलियम नंबर 3 ग्रेटर देन इंडियम नंबर 2 ग्रेटर देन गैलियम नंबर 4 ग्रेटर देन एल्यूमिनियम नंबर 1, 3, 2, 4, 1 इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। वाह रे वाह, अरे भाई 10 हुए है, 11 कहां से आ गए यशपाल, अच्छा इतना कॉन्फिडेंट है तू, नाइट्रोजन वाला भी तेरा करेक्ट है, क्या बात है, हा हा वाह वाह। चलो 11th वाला सॉल्व करने वाले हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, प्रथमेश है क्या, हाँ बिंदास, तो बेटा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं ऐसे, तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर उल्टा आएगा, Sb आर्सेनिक फास्फोरस एंड देन नाइट्रोजन, यानी 11th वाला भी करेक्ट आ गया, 11th वाला भी करेक्ट आ गया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऑक्सीजन सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ऐसा इसका ग्रुप होता है, ओस से टेपो में ओ पोलोनियम, पोलोनियम है क्या है, यहाँ पर टेलुरियम है सेलुनियम है और ऑक्सीजन है, तो भाई ये भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी इसका उल्टा आ रहा है, 12 नंबर आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग। 13 सेलेनियम आर्सेनिक ब्रोमीन एंड गैलियम, हाँ इधर के निकाल देता हूं, इसका एक पीरियड है, 4th पीरियड के है ये सभी, है ना, क का स्कटी वक्रमन फेकोनी कुजन गागे अस से बरकर, ये पूरा पीरियड लर्न कर दिया है बेटा मैंने, हाँ क का स्कटी वक्रमन फेकोनी कुजन गागे अस से बरकर, गागे अस से बरकर, ये पूरा पीरियड लर्न है मेरा, 4th पीरियड, यानी हॉरिजॉन्टल भी लर्न करके रखा हुआ है मैंने, आपको बताया वर्टिकल लर्न करो, लेकिन मैंने वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी लर्न करके रखा है, क्या जाने कि कब कैसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कैसे भी आढ़ा टेढ़ा डाउन या इंक्लिनेशन कैसे भी आने दो, हम उसको सॉल्व करके रहने वाले हैं एग्जाम में। तो गागे अस से बरकर, इसमें से क्या क्या दिया है, सेलेनियम आया हुआ है, आर्सेनिक है, ब्रोमीन है, गैलियम है, ये इधर है, तो बोलो
इधर से इधर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड, एक पीरियड के एलिमेंट है ये सभी, तो गैलियम, गैलियम आर्सेनिक सेलिनियम एंड ब्रोमीन आ गया क्या, कितने लोगों का 13, कितने लोगों का करेक्ट आ गया 13, वाह 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 क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, सभी लोग कर रहे हैं 13, सब लोगों का करेक्ट आ गया। हाँ, जिन लोगों का थोड़ा भी गलत हो गया, थोड़ा सोचो, इसका मतलब है पीरियडिक टेबल अभी भी पूरा परफेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब है थोड़ा सा काम करना अभी भी बाकी है, पूरा काम करो। इस लॉकडाउन के पीरियड में पीरियडिक टेबल का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमको नहीं आ रहा है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने है, पूरा पार्ट आपको अच्छे से स्टडी करना है और टिप्स पे लेके आना है। कहां पे लेके आना है? टिप्स पे लेके आना है। कहां पे लेके आना है बेटा? टिप्स पे लेके आना है। कोई भी एलिमेंट रहो, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास तो ठीक है बाद में निकालेंगे, एटॉमिक नंबर, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, लोकेशन, एस ब्लॉक में होता है, डी ब्लॉक में होता है, पी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में कहां पे होता है। चलो नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर को देखेंगे। हाँ ये बहुत बढ़िया है, हाँ नाइट्रोजन फास्फोरस, ये नाइट्रोजन फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास ओससे टेपो, ये आता है सेकेंड पीरियड में, ये आता है थर्ड पीरियड में, तो थर्ड पीरियड में है उनमें 3 सेल है, जो सेकेंड पीरियड में उनमें 2 सेल है, इसका मतलब क्या है, थर्ड सेल में इनका दोनों का साइज इन दोनों के साइज से ज्यादा ही रहेगा। अब इन दोनों में ये लेफ्ट में है ये राइट में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी फास्फोरस ग्रेटर देन सल्फर, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, कितने लोगों का सही आया, 14 बोलो फटाफट, 14 कितने लोगों का सही आ रहा फटाफट बोलो, वाह वाह क्या बात है, लई भारी, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों के लिए वाह 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 वाह। लास्ट 15 है ना, ह ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना, इसमें से 4 चुनके दिए हैं, ये आते सेकेंड पीरियड में, ये आते थर्ड पीरियड में, वापस वही ट्रेंड, सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के बाद लिथियम और बेरिलियम में कौन बड़ा होना चाहिए, लिथियम, लिथियम, लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, कितने लोगों का ट्रेंड सही आया, 15 आउट ऑफ 15 वाले हाथ ऊपर करो, 15 डालो, 15 आउट ऑफ 15 डालो, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 क्या बात है, अरे यार बहुत बढ़िया कर लेते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया कर लेते हैं आप लोग, क्या बात है, प्लीज एक्सप्लेन 14th वन समीक्षा, 14 कहाँ गया, हाँ नाना पाटेकर ऐश्वर्या, ओके देखो बेटा ये 15 ग्रुप है, 15 नाइट्रोजन वाला, ये 16 ग्रुप है, 15 16, तो इसमें ये है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ आते हैं, सेकेंड पीरियड में, यानी इनके एटम के अंदर 2 शेल्स है, और ये नीचे वाले फास्फोरस और सल्फर आते हैं थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड यानी इनके शेल कितने हैं, 3, 2 शेल वाला बड़ा के 3 शेल वाला बड़ा, ऑब्वियसली 3 शेल वाला बड़ा रहेगा, अब 3 शेल वालों में लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना नाइट्रोजन फास्फोरस, इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, यानी फास्फोरस ग्रेटर देन सल्फर, क्या आ गया, फास्फोरस ग्रेटर देन सल्फर, उसके बाद ऊपर वाले जिसमें 2 शेल्स है, 2 शेल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम हो जाता है, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, PSNO एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम सेम होता है क्या, यस, जिसका साइज बड़ा है उसका वॉल्यूम भी बड़ा रहेगा ना, साइज कब बढ़ता है, जब शेल आता है नया, एक शेल है, दूसरा शेल आ गया, तीसरा शेल आ गया, तो शेल बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी टॉप टू बॉटम जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, इट मींस वी कैन नॉट से दैट हायर एटॉमिक नंबर लोअर द साइज,
नहीं वैसे नहीं बोल सकते, वैसे नहीं बोल सकते, हायर एटॉमिक नंबर लोअर द साइज, टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो साइज लोअर हो रहा है क्या? नहीं, शेल ऐड हो रहा है तो साइज बढ़ रहा है। ग्रुप में ट्रेंड कैसा है, पीरियड में कैसा है, वो दोनों भी चीजें देखनी है। वेरी गुड, प्रथमेश बोल रहा है फिजिक्स का लेक्चर है, 13 रॉन्ग लिखा, 13 कैसे क्या रॉन्ग लिखा, 13 हाँ सबसे अच्छा उल्टा लिखा क्या वंश, उल्टा लिखा क्या? ओके ओके, लेक्चर है फिजिक्स फोरम का। चलो रुकते हैं, रुकते हैं। सभी से मेरी दरख्वास्त है कि जिनके रजिस्ट्रेशन बाकी आज के आज रजिस्ट्रेशन कर लो, मैं ऐप में सभी लोगों को रजिस्टर करने वाला हूँ, जिनके एडमिशन कंफर्म हो गए उनके लिए मैं स्टडी मटेरियल और एक्स्ट्रा वीडियोस पुट करने वाला हूँ, तो आज फटाफट सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, गुड डे एवरीवन, एवरीवन थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक ठोको और चले जाओ।